वेलकम टू तितीज ब्लॉग। आप सबको हैप्पी ईद मुबारक। सद्दाम जी आपको स्पेशली हैप्पी ईद मुबारक। और प्लीज़ सद्दाम जी जल्दी आइए, हम सब आपको बहुत ही याद करते हैं। आपके साथ वर्कआउट करना, मतलब वर्क करना बहुत ही याद करते हैं। आई होप कि आप जल्दी आए हमारे साथ और हमारे टीम के साथ फिर से ज्वाइन करें और काम करें। सो गाइज, यहाँ पर अभी मैं शूट पर आई हूँ शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर पीछे इनका केके जी का और बॉस का मतलब स्टोरी डिस्कस कर रहे कि किस टॉपिक पे उन्हें शूट करना है। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना दूँ यहाँ पर ही। तो गाइज, शूट होने के बाद ना मैं केके जी के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। सो गाइज, मैं क्या प्रैंक करने वाली हूँ वो मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊँगी, बहुत ही जल्द बताऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मुँह क्या देख रहे हैं, फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ओके। सो गाइज, प्रैंक का टाइम आ गया है। तो प्रैंक के लिए मेरे पास कुछ है उनके लिए मेरे बैग में। तो वेट अ सेकेंड, मैं उसे बैग से निकालती हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? टैंग टैंग। सो गाइज, ये है आर्टिफिशियल स्नेक रबड़ वाला। तो इसी चीज़ से मैं केके जी के साथ प्रैंक करूँगी और मेरे प्रैंक में शामिल है बॉस भी। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रैंक। उठाऊंगा ऐसे केके जी के पीछे। सो गाइज, देखिए अभी बॉस प्रैंक करने जा रहे और केके जी फ़ोन चला रहे। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। भाई मजा आया। फोन चोरी करता है, मम्मी का फोन चाहिए। धीरे धीरे देखता है, तभी ये रखे तो मैं लेके भागू। क्या बोल रहे हो? ये रखता है फोन तो मैं लेके भागू। अच्छा, तो ये रखी नहीं ऐसा ही ऐसा ऐसा के ही तो ये देखता है। अभी भी देख रहा है, देख। नहीं मिलेगा बाबू, फोन नहीं मिलेगा। अभी भी मेरे फोन पे नजर है, ये रखे तो फिर इतना फोन देखोगे ना आंखें खराब हो जाएगी। अच्छा मम्मी, अच्छा आपके फोन में पासवर्ड मैं रखती हूँ, अभी से ही देखती हूँ। वीडियो देख रहे हैं, सवेरे से तो वीडियो देख रहे थे ना। अभी सो जाओ, अभी हाँ सो जाओ बाबू, उठी ना जितने मोबाइल नहीं। देखो गाइस, बाबू बहुत फोन देखता है, उसको कुछ समझाओ, कमेंट करके बताओ कि फोन देखने से क्या क्या होता है साइड इफेक्ट। बहुत ज्यादा ही फोन देखता है, आंखें खराब हो जाएगी, चश्मे आ जाएंगे बाबू। मस्ती करता है, हाँ बड़ा लेंस का चश्मा देगा, वो भी जाड़ा जाड़ा। देखो कैसा मस्ती कर रहा है, बाबू से मस्ती करता है। क्या याद है, क्या बोला था आपने? हाँ गलत बोल दिया था ना, गलत बोल। क्या मुझे याद नहीं, आप बोलो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बोल दो बाबू, बोल दो। नहीं ऐसा बोलो, तिथि होता मामी के चैनल को, ऐसा पूरा बोलो। सो गाइज, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया। और गाइज, मैंने अभी नया व्लॉग डाला है तो प्लीज़ गाइज उसे जाके फटाफट देखिए। और अभी मम्मी मार्केट गई है वेजिटेबल्स लेने, क्योंकि घर पे कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है। तो मम्मी जब तक मार्केट गई है तो मैंने सोचा मैं और बाबू मिल के आमरस बनाए डेजर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं और बाबू मिल के अभी आमरस बनाने वाले हैं, मस्त मीठा मीठा, जो पप्पा बहुत सारे आम लाए उसका आमरस बनाएंगे। हाँ बाबू, तो लेट्स स्टार्ट आमरस बनाना। हाँ बट उसके लिए एक चीज़ लगने वाली है। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, उसको वो उससे आमरस नहीं बनता है। बाबू थोड़ा सा नॉटी है और शरारती है, हर बच्चे होते हैं, है ना बाबू? मस्ती कर तो हर बच्चे होते, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जामुन भी रखा है बाबू। वाइट एप्पल, हाँ इसको इंग्लिश में वाइट एप्पल बोलते हैं। बहुत सारा जामुन रखा है जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे, कल लाए थे। तो अभी इतना सारा जामुन को अच्छे से हम लोग ने वॉश करके रख दिया है, अभी इसको हम बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गॉड ब्लेस यू बाबू, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आमरस बनाना। सो गाइस फाइनली हमारा आमरस रेडी है और हमने एक टोप भर के आमरस बनाया। इसमें बाबू ने मेरी बहुत ही हेल्प की है। और यहाँ पर रुकिए, मैं आपको आमरस बताती हूँ। यहाँ पर हमने देखिए एक टोप भर के आमरस बनाया।
बहुत सारा आमरस बनाया। मम्मी और पापा खुश हो जाएंगे इस आमरस को देख के, क्योंकि उनका फेवरेट है ये। तो खाने के बाद हम खाएंगे डेजर्ट में। बहुत ही यम्मी बनाया, बहुत ही टेस्टी बनाया। सो गाइस, आप भी घर पे समर सीजन में आमरस बनाइए, ट्राई करिए, ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के पिए, मज़ा आ जाएगा, है ना बाबू? हाँ बट अभी तो समर ही चल रहा है। हाँ वही, समर सीजन स्टार्ट हुआ ना, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि आप लोग भी आमरस ट्राई कीजिए, है ना? और वो तो सभी लोग बनाते हैं घर पे। नहीं, कोई कोई लोग नहीं बनाते, कोई कोई लोग मतलब बाहर से लेके आते हैं ना। बाहर का कैसे वो लोग केमिकल्स डालते हैं, इससे अच्छा हम घर पे ही बनाएं शुगर डाल के अच्छे से। वो कैसा हाइजीन भी रहता है और बाहर का अच्छा नहीं रहता है। सो गाइस, आप घर पे बना के ही ट्राई कीजिए और पिए, बहुत अरे हाँ, वो रहता है ना, उसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल डालते हैं, राइट। देखिए मम्मी आ गई है मार्केट से, तो देखते हैं मम्मी क्या क्या लाई अभी। सो गाइस, मम्मी आ गई है मार्केट से और यहाँ पर बहुत सारा सामान लेके आई है, तो देखते हैं अभी मम्मी क्या क्या सामान लेके आई है। उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो एसी चालू किया अभी, और वहाँ पर मेरी भाभी है तो दोनों साथ में मार्केट गए थे तो अभी, और मुझे खांसी और हाँ बाबू को खांसी हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगी दवाई खा के। तो सबसे पहले मम्मी क्या निकालती है देखते। तो यहाँ टमाटर लाई है, आ जाओ बाबू उधर बैठ जाओ। फिर काकड़ी लाई है, यहाँ पर कच्चे केले लाई है, और ये पत्ते लाई है, ये स्पेशली हमारे मीनू के लिए लाती है मम्मी। फिर यहाँ पर भाभी केला लेके आई है बहुत सारा। फिर देखिए यहाँ पर इतना सारा अंगूर लाई है मम्मी और भाभी मिलके। फिर ये क्या है मम्मी प्लास्टिक में, मिर्ची लाई है। फिर ये टिंडली लाई है। फिर ये धनिया लाई है मम्मी, और दूसरा भी धनिया। फिर इधर पालक लाई है, बहुत सारा पालक लाइए, इसमें मस्त आलू पालक या फिर पालक पनीर बन जाएगा। फिर अंगूर लाइए मम्मी। यहाँ पर मम्मी नींबू भी लेके आई है छोटे छोटे, देखिए। तो आज मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की है, अभी ये सब जाएगा फ्रिज में और पूरा एक हफ्ते भर चलेगा। तो गाइस, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में मैं कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो लोग आलू खाते हैं उसके बदले आप लोग ये कच्चा केला का सब्ज़ी भी खा सकते हो, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये रेसिपी भी मैंने मम्मी से सीखी, तो रेसिपी के मामले में ईस्ट या वेस्ट, मम्मी इज़ द बेस्ट। वो हर एक चीज़ की रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनाती है, बहुत ही टेस्टफुल होता है और बहुत ही लाजवाब होता है। मैं मम्मी को बहुत ही मिस करती हूँ, और उनके रेसिपीज़, उनके खाने वगैरह जो भी बनाती है, इवन वो मैगी भी बनाती है तो इतना शानदार बनाती है कि टेस्ट मतलब उनका अभी भी मेरे मुँह में ही है। उनका सब कुछ मुझे पसंद है, तो उनके ही कुछ रेसिपी जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वही देख के, वही सुन के, वही सीख के मैं अभी आज कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद के रखा है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद के रखा है, तो फिर मैं बाद में रोटी भी बनाने वाली हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। बाय बाय, वापिस आना, आओगे ना? थैंक यू, दे दो एक इधर कैमरा में देख के, जल्दी बाय। हाँ नींद से उठा है ना इसलिए। बाय मासी, हाँ बाय भाभी, बाय भैया, आना वापिस, अच्छे से जाना, बाय। तो गाइस, मैं कल व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, और फिर आज मैं शूट पे भी नहीं गई बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज हो गए थे कुछ मुझे। तो मेरा व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ आज। तो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू।